आकाशवाणी पोर्टल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल ए के सिंह ने पंचायत निदेशालय को जारी की जाने वाली अनुदान धनराशि का विवरण प्रकाशित करने का निर्देश दिया है। लिटिल अंडमान दक्षिण अंडमान के सिटी घाट में आईआरबीएन के एक जवान द्वारा गोली चलाने से बेरोजगार युवक ब्रजेश दास की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पिछले रविवार को एमएसएनसीएल जहाज की रवानगी से पहले अव्यवस्था के कारण यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। विश्व नारियल दिवस पर कर्गिल समूह के विभिन्न इलाकों में कार्यक्रम आयोजित हुए और टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय में कॉमर्स बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए परामर्श आज सुबह 9:30 बजे आरंभ होगा। समाचारों के संघ में ज्योति लगड़ा के साथ मैं राकेश चंद्रलाल। उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल ए के सिंह ने मुख्य सचिव से कहा है कि वो पंचायत निदेशालय को मिलने वाले अनुदान का विवरण प्रकाशित करने के लिए निर्देश दें। इस व्यवस्था से आम जनता को उनके क्षेत्र में चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी मिलने के साथ साथ उपलब्ध कोष के बारे में भी जानकारी मिल सकेगी। इस बीच मीडिया की खबरों में डॉक्टर बीआर अम्बेडकर सभागार को फिल्म दिखाने के लिए इस्तेमाल किए जाने के कारण एक राजनीतिक दल ने उपराज्यपाल से उसकी शिकायत की गई। उपराज्यपाल ने इस मामले को आगे की उचित कार्रवाई के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली धरोहर समिति के पास भेजा है। अंडमान निकोबार राज्य सहकारी बैंक पोर्टर में आयोजित कार्यक्रम में कल बैंक के उपाध्यक्ष कुलदीपराय शर्मा ने 14 संयुक्त दायित्व समूह को ऋण वितरित किया। इन्हें करीब 12 लाख रूपये के ऋण जारी किए गए। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री शर्मा ने स्वयं सहायता समूह के सदस्यों से अपील की कि वे उद्यम शुरू करने से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल हों। उन्होंने बताया कि राज्य सरकारी यूनियन ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करती है। कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूह की आर्थिक स्थिति पर विचार विमर्श हुआ। महिला विकास अधिकारी श्रीमती एलिजाबेथ मेरी ने संगठनात्मक कार्य प्रणाली के बारे में विस्तार से जानकारी दी। दक्षिण अंडमान की सिटी घाट में कल आईआरबीएन के एक जवान राणा पॉल ने एक बेरोजगार युवक ब्रजेश दास उर्फ राहुल की गोली मारकर हत्या कर दी। हमारे संवाददाता ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि कल दिन में करीब 12 बजे ये घटना उस समय हुई जब ब्रजेश दास राणा पॉल को नौकरी दिलाने के नाम पर दिए गए 85,000 रूपए की धनराशि वापस मांग रहा था। कारकुनी के दौरान उत्तेजित राणा पॉल ने अपने राइफल से गोली चला दी और ब्रजेश दास की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सोशल मीडिया भी पुलिस ने पहुंचकर राणा पॉल को गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि घटना के समय राणा पॉल ने शराब पी रखी थी। पुलिस इस मामले में राणा पॉल से पूछताछ कर रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष कुलदीपराय शर्मा, पूर्व सांसद मनोरंजन भट्ट और अखिल भारतीय किसान सभा की समूह कार्यक्रम महासचिव डॉक्टर जयराम रमाजी ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। श्री कुलदीपराय शर्मा ने मृतक ब्रजेश दास के परिजन को आर्थिक मुआवजा के साथ साथ परिवार के लिए